हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बहुत ही खूबसूरत ये डोरमेट की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इसे टेबल कवर या थालपोस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, देखिए कली वाली है। इसको आप पुरानी साड़ी और चुन्नियों से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये देखिए फेदर की ऊन ली है, तीन कलर की। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर है, रेड है और यहाँ पे क्रीम कलर की ऊन है। तो फ्रेंड्स, आप इसको पुराने चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा बना है क्योंकि ये फेदर का ऊन है। तो फेदर की ऊन काफ़ी मोटी भी होती है और जैसे साड़ी का लुक आता है जितना बड़ा बन के, सेम वैसे ये फेदर के ऊन का भी आता है। तो अगर आप साड़ी पे भी बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने टोटल 22 फंदे लिए हुए हैं। 22 फंदे लेने के बाद देखिए एक एक हमारी ये कली बनती हुई कंप्लीट हुई है। ये ऊन में काफ़ी चमक भी है। तो चलिए हम बनाते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से बनाते हैं फ्रेंड्स, सेम आपको वैसे ही दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर हमने फंदे लेने के बाद, जब जैसे स्टार्ट करेंगे फंदा लेने के बाद, दो सिलाई हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये हमारी डिजाइन बनेगी। तो डिजाइन हम ये पीछे की साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे की साइड से हमारी ये डिजाइन बनेगी। देखिए मैं यहाँ पे आगे की साइड आ गई बना के। यहाँ पे देखिए मैंने ये 6 नंबर की मोटी वाली सिलाई ली है क्योंकि ये काफ़ी मोटा ऊन होता है और ये डोरमेट वाली सिलाई आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम ये कली बनाना शुरू कर रहे हैं। तो एक फंदे का हम दो फंदा करेंगे, एक बार बुना फिर यहाँ पीछे से एक फंदे, इसी फंदे में दो बार हम बुनेंगे, फंदे को गिराएंगे नहीं। उसके बाद देखिए हम सारा फंदा सीधे की साइड से हम सीधा सीधा बुन रहे हैं क्योंकि ये फेदर वाले ऊन का है। अगर नॉर्मल ऊन का आप बनाएंगे तो दोनों साइड से आपने गार्टर स्टिच बनाना है, दोनों साइड से यानी उल्टा उल्टा बुनना है। लेकिन ये फेदर की ऊन है तो ऐसे देखिए सीधे की साइड से सीधा बनाने पे तो इसकी लुक और अच्छी आती है। तो इसलिए हम सीधे की साइड से सीधा बुन रहे हैं और पीछे की साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम कली के लिए आप अपने हिसाब से फंदा बढ़ा सकते हैं। इसके पहले मैंने और एक कली वाली डिजाइन बनाई थी। यहाँ पर देखिए अब हम दो फंदे छोड़ देंगे। दो फंदे छोड़ने के बाद सिलाई को अपने साइड मोड़ लेंगे और बाकी के फंदे हम उल्टा उल्टा बुनकर आगे की साइड आते हैं। फिर हम आगे की साइड आ गए। अब देखिए यहाँ पे हम एक फंदा और बढ़ेंगे, एक बार बुना फिर यहाँ पीछे से एक बार और बुनेंगे। आपको एक फंदा बढ़ाना है स्टार्टिंग, आप चाहें जैसे फंदे बढ़ा सकते हैं। मैंने फंदा बढ़ाना आप लोग को दो टाइप से बताया है, तो आपको जो सही लगे उस हिसाब से आप फंदा बढ़ा सकते हैं। अब इसका प्रोसेस यही रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 5 फंदे बढ़ाएंगे यानी 5 बार। तो दो बार हम फंदे बढ़ा चुके हैं और अभी हमें 3 फंदे और बढ़ाने हैं। और पीछे की साइड से हम यहाँ पे दो दो फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। दो पहले छोड़ा, फिर अब हम दो फंदे और छोड़ेंगे, यानी हमारे 4 फंदे छोड़ दिए। अब देखिए और इधर की साइड से एक एक फंदे बढ़ रहे हैं। तो पीछे की साइड से उल्टा बुन कर कम्प्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 5 बार 5 फंदे बढ़ा दिए हैं और 5 बार दो दो फंदे छोड़ते हुए आए हैं। देखिए 1 बार 2 3 4 5 बार हम छोड़े हैं, बिल्कुल पता चल रहा है हमारे दो दो फंदे छोड़ते हुए आए हैं। और 5 फंदा हमने यहाँ पे 2 का 1 करते हुए देखिए बढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे तिकोना सा बन जाएगा। अब इन्हीं 5 फंदों को हमने बंद करना है। तो पहला फंदा एज स्टिच ऐसे उतारा, दूसरा फंदा हमने बुना, फिर देखिए इसके ऊपर से इस फंदे को लाके हम गिरा देंगे। अब देखिए फिर हम फंदा बुनेंगे और ये पीछे वाले फंदे को आगे लाएंगे, इसके पास से निकालेंगे। दो फंदा हमने गिराया, यहाँ पे 5 फंदे हमने बढ़ाए हैं तो यहाँ पे 5 फंदा हम कम कर देंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पे 6-7 भी फंदे रख सकते हैं, लेकिन 5 फंदे हमने देखिए यहाँ पर गिरा लिया। अब हमने सारे फंदे को सीधे की साइड से सीधा हमने बुनना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने पीछे से दूसरा कलर लगाना है पीछे की साइड से। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 5 फंदा बढ़ा के फिर 5 फंदा एक ही सिलाई में हम घटा लेंगे। उसके बाद सारे फंदे हम बुनेंगे, सारे फंदे इसी रेट से हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे।
अब पीछे की साइड से आपने दूसरा कलर लगा के, क्योंकि हम पीछे की साइड से ही वो कलर लगा रहे हैं, तो पीछे की साइड से आप दूसरा कलर लगा के फिर यही प्रोसेस शुरू करेंगे। यानी पांच फंदे हम बढ़ाएंगे पांच सलाई में, और उसके बाद पांच बार हम दो दो फंदे छोड़ते हुए भी आएंगे। तो देखिए ये हमारी कली ऐसे ही बन के आएगी, इतनी पतली पतली। यहाँ पे मैंने 22 फंदे डाले हैं, आप अपने हिसाब से ज़्यादा छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी भी बनी है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे ही बन के आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे दो कली और बनानी है, तो ऐसे ही चलिए हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये सारे वो बना के कंप्लीट कर लिए हैं कली। तो कली बनाने के बाद फ्रेंड्स हमने कंप्लीट करने के बाद देखिए हमने यहाँ से सिलाई भी कर दी है। सिलाई करने मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है। तो देखिए यहाँ से हमने सिंपल, जब हमारी ये कली कंप्लीट हो जाएगी तो आपने दोनों साइड से पकड़ के दोनों कली को बराबर पकड़ के फिर सिलाई करनी है, नॉर्मल सिलाई करनी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे होल बन गया है। तो इस होल को फिलअप कैसे करना है, यानी इसको बंद कैसे करना है, तो चलिए उसको हम देखते हैं। पीछे की साइड से हम इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सुई में हमने ऊन को इंसर्ट किया है। अब आपने इस वाले पार्ट को ऐसे लेना है और यहाँ से छोटे छोटे देखिए हम ऐसे को, ये देखिए सेंटर से हम छोटे छोटे टाँके लगाते हुए जाएंगे। ये देखिए फिर हम देखिए जहाँ से हम एकदम लास्ट तक जाएंगे कॉर्नर तक, जहाँ से हमने सुई को डाला था, ये देखिए इसके बाद इसको हम टाइट खींच देंगे। टाइट खींचने के बाद हमने यहाँ पे दो तीन नॉट लगा देनी है पक्की वाली, ताकि हमारी यहाँ से ये दिखे ना। तो देखिए यहाँ पे हमारी होल बंद भी हो गई है, और एक्स्ट्रा धागे को हमने पीछे कर लेना है क्रोसिया की सहायता से। देखिए कितनी खूबसूरत बनकर आई है फ्रेंड्स। यहाँ पर टोटल हमारी 20 कली बनी है, ये देखिए। और आप चाहें तो सेंटर में कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं, यहाँ सेंटर में आप फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये बनकर आई है। तो फ्रेंड्स आप इसे साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, पुरानी साड़ियों से भी बना सकते हैं, बहुत इजी भी है। अब देखिए ये पूरा ऐसे बनकर आया है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।